और पीछे मेरे खड़ी है पाकिस्तान की बस, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी वेल डेकोरेट डिज़ाइन की गई है स्पेशली हमारे लिए। मेरे को मैंने दिए थे पाकिस्तान के, मैंने दिए थे 3000 आपको, और आपने कितने दिए? 5000। अब मैं हूँ इस वक्त हिंदुस्तान में और मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान में एंटर, और ये मैं आ चुका हूँ पाकिस्तान में, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दादाजी का जन्म स्थान, और ये रहा पाकिस्तान, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं आपको सबसे पहले, मेरे साथ एक ग्रुप है, मैं सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सबने मेरा यूट्यूब चैनल देखा। आपके क्या नाम है? गगन। गगन, और आप सब एक ही फैमिली से? कहाँ से हो? कनाडा से। कनाडा से आए हो, और यहाँ से पंजाब में कहाँ से हो? लुधियाना। लुधियाना से एक फैमिली है मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ। ये कनाडा से आए हैं, आपका क्या नाम है? वरिंदर। वरिंदर, तो बहुत अच्छा लगा, कुछ इनके फैमिली इधर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सरदार जी, आप भी कनाडा से हो? यस। तो यहाँ से कहाँ से हो? लुधियाना से। लुधियाना से, बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ मिलकर। तो आप ये वीडियो कल या परसों यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, देन आप पूरा शेयर करना, ठीक है? तो ये फैमिली बहुत ही अच्छी है, मेरे साथ ही हम लोग आज पाकिस्तान में इकट्ठे ही होंगे, ज़्यादा ग्रुप नहीं है कोई, आज 12-15 लोग ही हम लोग आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रुप का भी करना है, इकट्ठे करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। देन इधर अब देखते हैं पाकिस्तान साहब की, इनकी हॉस्पिटैलिटी देखते हैं कैसी है। इन्होंने भी इंडिया की तरह सेम, इन्होंने भी ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू ब्रदर। आरटीपीसीआर रिपोर्ट। जी जी, मोहम्मद रिजवान अंसर, आपका? उस्मान। तो ये दो भाई साहब मिले, बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहे हैं अपने को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, और सेम ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं, ऐसा लग रहा है कि अपने देश में ही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सो बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, सारे के सारे कनाडा से आए हैं, स्पेशल गुरुद्वारा साहब को विजिट करने के लिए कनाडा से आए हैं, और शायद यहाँ से पीछे लुधियाना से आए ये, तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों। ये मेरे साथ ही आज की जर्नी में ये मेरे साथ ही है, तो चलते हैं पाकिस्तान के ई रिक्शा में, अभी बैठ कर देखा जाए। क्या नाम है आपका? हरी। ये भी सब एक फैमिली, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये लोग कनाडा से स्पेशल गुरुद्वारा साहब विजिट करने आए हैं। तो हियर वी गो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर भी शायद डॉक्यूमेंट चेक होंगे, डॉक्यूमेंट आपको हाथ में रखने हैं अपने, कभी भी चेक हो सकते हैं आपके। सो मेरे दादाजी का जन्म स्थान बहुत याद आती है मुझे, दादाजी तो खैर हमारे ऊपर चले गए हैं भगवान जी के पास, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक बार उनके जन्म स्थान पर जाकर आऊँ, तो मे बी इन फ्यूचर कभी मैं पाकिस्तान का वीज़ा लेकर ज़रूर विजिट करने जाऊँगा, ये भी मेरी एक इच्छा है। सो आप लोग देख सकते हो इन्होंने पूरी बैरिकेटिंग कर रखी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये आपको गुरुद्वारा साहब घूमने का वीज़ा मिलता है, ना कि पाकिस्तान घूमने का। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि क्या हम इस वीज़ा से पाकिस्तान घूम सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीज़ा पर आप सिर्फ इस कॉरिडोर को ही एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही सामने वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हुआ, और उधर है इंडिया, इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ्लैग भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल खींचेंगे, तो पीछे देख सकते हो वेलकम टू पाकिस्तान भी लिखा है, पाकिस्तान आन वाली संतानों जी आया नो, तो पंजाबी मुझे भी आती है थोड़ी बहुत। सो गाइस, जो ई रिक्शा है उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया है। मैं आपको बता दूँ, पीछे जो मेरे दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान का इमिग्रेशन है, यानी कि अभी हम लोग फाइनली वहाँ जाकर, जो जैसे अपने इंडिया से मैं आया हूँ तो हमारा एक छोटा सा इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, तो सेम ये वो बिल्डिंग है इमिग्रेशन प्रोसेस वाली, और वो जो बिल्डिंग आप दिखाई दे रही है, जैसा कि आपको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था जब मैं 2019 में घूमने आया था, वहाँ पर आपके करेंसी चेंज होगी, और आपसे जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो $20 फीस रखी है, वो फीस आपको वहाँ पे करनी होगी, जो कि इस गुरुद्वारा को बनाने पर या मेंटेन करने पर जो भी है, जो इन्होंने $20 की जो फीस रखी है वो आपको वहाँ सबमिट करनी होगी। देन इधर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान का इमिग्रेशन ऑफिसर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा उधर, इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा होगा, उससे पहले हमें पाकिस्तान की करेंसी लेनी है, क्योंकि सुनने में आया है उधर एक मार्केट है छोटी सी,
तो अगर आप चाहो तो करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, और $20 की जो इनकी फीस रखी है गवर्नमेंट ने, तो वो भी आपको यहीं पे करनी होगी। सो गाइज, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस था जो कि हमने कर लिया क्लियर, देन हम लोग आगे निकल रहे हैं। वहाँ पर हमें करेंसी एक्सचेंज करवानी है और उसके बाद पाकिस्तान का इमिग्रेशन। पिछली बार जब मैं आया था तो मुझे याद है कि एक ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे दो सवाल किए थे कि मैं क्या करता हूँ, और एक उन्होंने सवाल मेरे से किया था कि मैं, उन्होंने जब मेरा पासपोर्ट देखा तो उस वक्त मैं ज़्यादा नहीं, ये वो बिल्डिंग है जिसको पाकिस्तानी इमिग्रेशन ऑफिस कहा जाता है, मेरे राइट साइड में, यहाँ आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी होगी और एक $20 का जो शुल्क है वो आपको इधर पाकिस्तान सरकार को देना होगा। सो गाइस, एक बात और बता दूँ, डॉलर आप लोग पीछे से ही लेके आना, यहाँ पर हिसाब किताब थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। मैं आपको रेट दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि $20 है जो भारतीय 2000 के बराबर है, यानी कि अच्छा अगर आप उधर से लेके आओगे तो मेरे हिसाब से 76 रुपीज़ है एक डॉलर की कीमत है, जो अपने उधर अगर आप इंडिया में एक्सचेंज कराओगे तो 76 या 77 है, लेकिन यहाँ पर तो इस हिसाब से तो बैठते हैं मेरे हिसाब से एक डॉलर का 100 रुपया इनके हिसाब से, तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा करेंसी थोड़ा सा महंगी है, तो आप लोग पीछे से ही $20 कैरी करके लाना। मेरे को मैंने दिए थे पाकिस्तान के, मैंने दिए थे 3000 आपको, और आपने कितने दिए? 5250। तो 5250 मिले हैं, मैंने इंडिया के 3000 रुपए दिए थे, और देखो नोट ही नोट बन गए हैं। और अब मेरे को सो गाइज, मैंने दिए थे आपको, आपने सुनी लिया, 3000 के आसपास दिए थे, मेरे को दे दिए इतने सारे नोट, 5400 रुपये दिए हैं मुझे, तो अपनी करेंसी डबल है यहाँ से। सो गाइज, यहाँ पर अपने को देने $20, ये जनाब हैं, क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अशरफ बैठे हैं, और साथ में इनके जनाब, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है? अच्छा, तो ये है भाई, यहाँ पर आपको $20 फीस देनी है, और बस रसीद ले लिए, तो ये अब भाई मिल गए हैं उधर से, तो मैं इनकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए इन्होंने मुझे रखा है, ये मुझे एक ट्रिप का 5000 रुपये देंगे। हेलो, तो इन्होंने फोटो खींचने के लिए इन्होंने मुझे रखा है, ये जाते वक्त मुझे 5000 रुपए देंगे, 5000 लेंगे। काफ़ी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस के बाद अभी हम लोग फाइनली गुरुद्वारा साहब की तरफ एंटर कर रहे हैं, और सामने मेरे है पाकिस्तानी इमिग्रेशन, जिसको क्लियर करना है आपको। सेम वही छोटा सा प्रोसेस होता है, लाइक जैसे अपने किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनकी कंट्री का एक इमिग्रेशन प्रोसेस होता है। फाइनली पाकिस्तान का इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया है, तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, नॉर्मल से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं जो कि सभी जगह होती है। और पीछे मेरे खड़ी है पाकिस्तान की बस, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी वेल डेकोरेट डिज़ाइन की गई है, स्पेशली हमारे लिए वेल डेकोरेट की गई है, कितनी शानदार बस है, और देख सकते हो आप लोग, दो बसें हैं, और ये पूरी इमिग्रेशन की बिल्डिंग है, और ये पूरा पाकिस्तान है इधर। सो मेरे तो, मैं जब भी आता हूँ तो इस धरती को प्रणाम इसलिए करता हूँ कि मेरे दादाजी का जन्म स्थान है, तो बहुत अच्छा लगा, दादाजी देख रहे होंगे कहीं बैठकर। सो सर, कुछ करना है इधर? नहीं नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। सो ये देख लीजिए, वेल डेकोरेट बस, इस पर लिखा हुआ है वेलकम टू पाकिस्तान, तो अपने फ़ोटो डालनी है तो इससे ही अभी डाल दीजिए फेसबुक पर, वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हुआ है यहाँ पर। पिछले साल जब 2019 में मैं आया था तब मैंने यहीं एक फ़ोटो डाली थी, सो इन भाई साहब ने मुझे रखा हुआ है फ़ोटो खींचने के लिए। सो गाइस, अभी अभी हमने पाकिस्तान की आर्मी के साथ एक फ़ोटो क्लिक की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो काफ़ी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा इनके साथ। तो हमारी बस हो चुकी है फुल, और हमारी बस साहब के पायलट आ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब इस बस को टेक ऑफ करेंगे, अब पायलट आ गए हैं। सभी पैसेंजर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। इमरान भाई आ चुके हैं, बस को बंद, गेट बंद कर दो। सो अब हम लोग टेक ऑफ करने की सिचुएशन में हैं, और गेट देखिए अपने आप हो चुके हैं बंद,
और ये हमारे सारे जो ग्रुप वाले बंदे हैं वो बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं यूट्यूबर है ना? हाँ जी, यूट्यूबर मैं दिखा मतलब ऑन यूट्यूब बोल। सो पायलट साहब तैयार हैं, तो भाई अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें सारे। बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहब में, और सामने मेरे है गुरुद्वारा साहब, और यहां पर भी शायद कुछ छोटी मोटी प्रक्रिया हो सकती है, वही सेम प्रक्रिया जो पहले हम लोगों ने की थी। और काफ़ी शानदार गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के मामले में तो मैं जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि काफ़ी बहुत ही सुंदर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, बड़ी बाउंड्री है। और इधर मुझे एक पाकिस्तान का एक गांव भी दिखाई दे रहा है, छोटा सा गांव है, आप लोग देख सकते हो, और ये वो बस है जिससे हम लोग आए हैं, एंड ये पूरा गुरुद्वारा साहब है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है गुरुद्वारा साहब है, और ये हमारा ग्रुप है। तो मैं आपको 360 पर मूव करके दिखा देता हूँ, 360 पर मूव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी के कुछ पंपलेट भी लगाए गए हैं, जो कि शायद थोड़े दिन पहले ही प्रकाश पुरु पर लगाए। हाँ जी, नहीं वो पीछे देख सकते हो। और एक ये जनाब मैं पंजाब से हैं, शायद पंजाब से, जलंधर से, जलंधर से। तो क्या नाम है आपका? कुलदीप चौहान। कुलदीप चौहान है, ये जलंधर से हैं, ये भी हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं, और ये शायद बच्ची हैं अपनी? बेटी है, बेटी की बेटी है। अच्छा, तो ये अपने लड़की के साथ आए हैं, और ये भी गुरुद्वारा साहब में दर्शन। आप पहली बार आए? पहली दफ़ा आए। हाँ, ये पहली दफ़ा आए हैं, और देख लीजिए इनको, और ये भी अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इस बहाने से हमें भी 2-3 सब्सक्राइबर और मिल गए हैं। उन्हें सब तो पहले टाइम 4 बजे तक है, इतने 4 बजे तो पहले तुम वापस जाना, जो ता वापस जाने का दिल करेगा जिथे तुम बस ने उतारिया उतों ही तुम बस दोबारा पिक कर लेगी, 5-10 मिनट बाद बस आती रही है, चक्कर लाती रही है, ठीक है जी। नंबर 2 जो तू विजिटर पास जारी किया गया ना, पास तुम अपने कोल रखना, इनू गले हैंग करके रखना, इनू उतारना नहीं, इनू किसी नाल तब्दील नहीं कराना। तब्दील इस वास्ते नहीं करना कि जो पाकिस्तानी यात्री ने उन्होंने कार्ड होर ने, और जो साढ़े मेहमान इंडिया तो आए हो इन्हों के कार्ड होर ने, इस वास्ते किसी नाल तब्दील नहीं करना कार्ड। जो तेरे को कागजात ने, पासपोर्ट वगैरह ने, या जो होर कागजात ने तेरे को, संभाल लो, हूँ उन्होंने अगर कोई चैकिंग नहीं होनी, और तुम जो वापस जाओगे दोबारा चैक होंगे। अंदर तुम दाखिल होवोगे तो राइट साइड के सज्जे पासे जोड़ा घर है, जिथे तुम अपने जोड़े जमा करवा लोगे, वो ही अगे लाकर रूम है जिथे तुम अपना समान वगैरह रख सकते हो, लेकिन अगर तुम समान अपने कैरी करना चाहते हो फिर भी कोई गल नहीं, लैके जा सकते हो। उसके अगे सरोवर साहब है, और दरम्यान च गुरुद्वारा साहब की मेन बिल्डिंग है। बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि आखिर करतारपुर पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहब है जो, ये क्यों लोग विजिट करने आते हैं, और करतारपुर पाकिस्तान गुरुद्वारा किस क्यों बनाया गया था, यानी कि इसमें ऐसा क्या हुआ था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं
जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि करतारपुर गुरुद्वारा यहाँ पर क्या हुआ था, तो मैं आपको थोड़ी सी इतनी मुझे जानकारी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी थे